अंबिकापुर नजदीक ग्राम चोबारा माता चक्का गोई स्टेडियम चोबारा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त श्री श्री 1008 माता चक्का गोई स्टेडियम क्रिकेट क्लब समिति द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का नोवा शुभारंभ 27 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। टूर्नामेंट कार्यक्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विधायक गण मंत्री गण अध्यक्ष कलेक्टर एसपी व पदाधिकारियों का कार्यक्रम में सभी का आगमन रहेगा। इस वर्ष नेशनल ओलंपिक खिलाड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को विशेष अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित कर खिलाड़ियों का खेल की भावनाओं में उत्साह व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से राज्य स्तरीय क्रिकेटरों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शासन के समस्त कार्यक्रम की अनुमति समिति ने प्रदान कर कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदान की है। बाहर से आने वाली टीमों के खिलाड़ियों को रहने एवं खाने की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुविधाएं की गई हैं। खड़गपुर से दीपक कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। टूर्नामेंट चल रहा है, कब से ओपनिंग होना है? मानमर आज दिनांक हम 28/11/2021 को माता चक्का गोई चौबारा स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रति वर्ष की भांति क्रिकेट टूर्नामेंट का नौवां आयोजन है और इस नौवें आयोजन को हम विशाल रूप देकर के चाहते हैं कि ये राज्य स्तरीय सभी टीमें जो खेलती हैं, हम ओलंपिक के जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने खेला है और नेशनल खिलाड़ी हैं, हम उनको भी प्रारंभ में बुलाने की कोशिश करेंगे। उनके द्वारा हमारी जो क्षेत्र की उत्साही टीमें हैं, युवा टीमें हैं, उनको खेलने में एक उत्साहवर्धन मिलेगा और हमारे इस खेल के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए क्रिकेट क्लब समिति चौबारा इस आयोजन को हमेशा प्रतिवर्ष की भांति करती है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पिछले वर्षों में खेल में थोड़ी कमी आई और हम शासन के नियम कानूनों का पालन करते रहे। साथियों, आज हम कोविड गाइडलाइन को, क्योंकि शासन के नियम हैं कि कोविड शायद है या नहीं, लेकिन हम फिर भी उस परहेज के साथ कोविड-19 की स्थिति के सभी कानूनों को पालन करते हुए इस विशाल आयोजन को रूप देंगे और 27/12/2021 से प्रारंभ होगा। 5 जनवरी तक हमारा इस आयोजन चलेगा। प्रारंभ में हमारा प्रयास और कोशिश पूरी है कि खेलों टीमों को खेलने की, रुकने की, रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था पूरी हो और जो हमारे दर्शक हैं, दर्शक प्रेमी हैं, मीडिया बंधु हैं, हम किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, ऐसा हमारा क्रिकेट क्लब समिति का पूरा एक प्रयास रहेगा। एक छोटा सा गांव, आपका इतना बड़ा प्रयास आखिर कैसे संभव रहा? देखिए, इस गांव की जो प्रेरणा है, हमारे गांव के जो साथी हैं कहते हैं कि एक व्यक्ति तो भार नहीं भूल सकता, लेकिन हमारे ग्राम के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, और उनका सभी का आशीर्वाद रहा, माँ भगवती का एक आशीर्वाद ऐसा रहा कि इस आयोजन को प्रारंभ करने में हमारे इस ग्राउंड को, वास्तव में यहाँ 36 करोड़ देवताओं की एक भागवत का आयोजन हुआ था, उसके बाद ये प्रेरणा मिली हमारे गांव वालों को, हमको सभी को, और हमारे जिनके नाम से इस आयोजन को किया जाता है उन्होंने इस खेल के आयोजन की प्रेरणा देते हुए उनके नाम से स्वर्गीय श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में यह आयोजन किया जाता है और इस आयोजन को हम हमेशा संस्था के माध्यम से, क्रिकेट क्लब समिति के माध्यम से, और हमारे ग्राम के जो टीम है वो हमेशा सक्रिय रहती है। क्रिकेट क्लब समिति को कोई सरकार द्वारा योगदान रहता है कुछ? जरूर है, क्रिकेट क्लब समिति को योगदान के लिए तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक, आज तक कोई योगदान या अनुदान सरकार से नहीं लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूँगा और उनसे ये पत्र के माध्यम से अवगत कराऊँगा कि क्रिकेट क्लब समिति चौबारा को एक ऐसा अनुदान दें ताकि क्षेत्र की प्रतिभाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को खेलने के लिए एक क्रिकेट मैदान और एक स्टेडियम जो चौबारा में बनाना है उसकी तैयारियों के लिए, उसकी अनुमति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर के माध्यम से कहूँगा कि इसकी हमें ध्यान दे करके इसको अनुदान भी दें और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।